क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड्स को देखकर ऑडियंस हो रही है इमोशनल। अभीरा को फौजदार हाउस में मिल रही है छोटी सी उम्मीद की किरण। आखिर क्या सचमुच में रूही और अरमान की शादी होगी सक्सेसफुल? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और रूही की शादी को लेकर काफी ज्यादा बस बना हुआ है। यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तब शुरू होती है जब अभिरा शर्मा फौजदार हाउस में वापस लौटती है और रूही और अरमान की वेडिंग प्लानर बन जाती है। यहाँ पर घर के अंदर काफी टफ टाइम गुजार रही है अभिरा, तो वहीं फाइनेंशियली भी अभिरा को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसे घर तो मिल गया लेकिन फिलहाल वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह रहे हैं। रूही और अरमान की शादी के बाद फिर से अभिरा की स्ट्रगल वाली लाइफ शुरू हो जाएगी। ऐसे में पोदार परिवार के घर में काफी ऐसे कम लोग हैं जो अभिरा को पसंद करते हैं, जिसमें मनीषा, मनोज, माधव, कृष और कुछ बच्चे मौजूद हैं। यहाँ पर अभिरा को इतने बुरे वक्त से गुजरता देख मनीषा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर सभी बच्चों के साथ मिलकर वो अभिरा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अभिरा की परफॉर्मेंस को देखकर, अभिरा की कंडीशन को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करती है और इमोशनल होती हुई नजर आ रही है। ट्विटर अकाउंट के जरिए काफी सारे फैंस ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है, जहां पर वो अभिरा की परफॉर्मेंस की तारीफ तो कर ही रहे हैं तो वहीं वो अभिरा के स्ट्रगल को भी लेकर काफी ज्यादा बातें कर रहे हैं, जैसे अभिरा एक रियल लाइफ इंसिडेंट से गुजर रही हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभिरा आगे क्या कुछ झेलती है। फिलहाल अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो काफी सारी रस्में भी बाकी हैं और शादी के वक्त क्या सचमुच में कोई नया हंगामा होगा या फिर सच में इस बार अरमान और रूही की शादी हो जाएगी। फिलहाल आप क्या चाहते हैं क्लाइमेक्स में देखना, हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।